औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित उपकरण व सहायक सामान पर मैं आपको आज प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। फैशन डिजाइनिंग कपड़ों में डिजाइनिंग बनाने की कला है, अर्थात कपड़ों में डिजाइनिंग बनाने की कला को फैशन डिजाइनिंग करते हैं। फैशन डिजाइनिंग के द्वारा ही हम वस्त्र को नए रूप में प्रदर्शित करते हैं। प्रभावी डिजाइन बनाने के लिए एक फैशन डिजाइनर के पास सही तरीके से फैशन डिजाइनिंग के टूल्स उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर फैशन डिजाइनिंग का उपयोग सही तरह से करना है तो टूल्स का प्रयोग भी अच्छे तरीके से करने के लिए आना चाहिए। टूल्स की सहायता से हम अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग में बहुत से उपकरण होते हैं जिनका प्रयोग हम पैटर्न बनाने में, कटिंग करने में, सिलाई करने में, ड्राफ्टिंग करने में उपयोग करते हैं। ये जो टूल्स होते हैं वो गलतियों को कम करने में सहायता प्रदान करते हैं। फैशन डिजाइनिंग टूल्स गलतियों को कम करने में मदद करते हैं। नए डिजाइन के निर्माण के लिए विकास के समय कटौती कर सकते हैं और सही डिजाइन बना सकते हैं। अर्थात अगर हमारे पास टूल्स होंगे तो हम उनकी सहायता से अपने डिजाइनिंग को, अपने काम को कम समय में कर सकते हैं और जो समय की बचत होगी उसमें हम अपनी नए डिजाइन को कर सकते हैं। यहाँ कुछ सबसे अधिक उपयोग योग्य फैशन डिजाइनिंग के उपकरण परिभाषित किए गए हैं जो सफल फैशन डिजाइनर बनने के लिए आपके टूल्स में आवश्यक होते हैं। हम यहाँ नीचे कुछ टूल्स के दिए हैं जो आपको फैशन डिजाइनिंग में हेल्प करते हैं। उसमें पहला है डिफरेंट टाइप सीजर्स। डिजाइनर के पास कटिंग प्रक्रिया के को आसान बनाने के लिए एक कैंची की एक जोड़ी आवश्यक होनी चाहिए। कटिंग के लिए कैंची दो प्रकार की होती है, एक सीयर और दूसरा सीजर। सीयर को हम बड़ी कैंची कहते हैं। यह 10 से 14 इंच लंबी होती है। इससे दबाव पड़ने पर कपड़ा जल्दी और अच्छा कटता है। मतलब हैवी फैब्रिक को इससे हम कटिंग कर सकते हैं और एक साथ मैक्सिमम फैब्रिक को हम कट कर सकते हैं। तो सीयर को हम बड़ी कैंची को कहते हैं और यह कैंची 10 से 14 इंच लंबी होती है और इसकी सहायता से हम एक बार में 6 से 8 तह तक काट सकते हैं। जो हमारा सीजर होता है यह उससे छोटी कैंची होती है। यह 7 से 10 इंच तक होती है। इससे हम महिलाओं के कपड़े, बच्चों के कपड़े आदि को काटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। उसमें ये देखिए, ये जो फिगर में है पिकिंग सीजर है, इसको हम बोलते हैं पिकिंग सीजर। इसको कटादार कैंची भी कहते हैं। इसकी सहायता से हम कपड़ों के किनारों पर डिजाइनिंग बनाने का प्रयोग करते हैं। अगर हम इससे कपड़े की कटिंग करेंगे तो किनारे पे चिक जैक कटिंग जैसी डिजाइन आएगी। तो वो हो गया हमारा पिकिंग सीजर। ये है हमारा सीयर। सीयर जो होती है नॉर्मल कैंची की तुलना में थोड़ी सी भारी होती है और इसका प्रयोग हम विभिन्न प्रकार के कपड़ों को काटने के लिए करते हैं। लाइट वेट सीजर। इस प्रकार की कैंची वजन में हल्की होती है और इसका प्रयोग अस्तर आदि जैसे कपड़ों की सामग्री को काटने के लिए किया जाता है। ये हल्की कैंचियाँ होती हैं। इसके लिए हम जैसे सिलाई करते तो धागा काटते हैं, कढ़ाई करते तो उसको जो रेशम के धागे होते हैं उसको काटते हैं, या हम अस्तर का प्रयोग, लाइनिंग का प्रयोग करते हैं अपने कपड़ों में, तो उसको काटने के लिए हम लाइट वेट सीजर का प्रयोग करते हैं। टेलर चाक।
यह एक चाक है जैसे सामग्री का उपयोग कपड़ों बनाने में और सिलाई में कपड़े पर बिंदुओं को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। जब जरूरत नहीं होती तो निशान आसानी से धोए जा सकते हैं। इसका मतलब हुआ टेलर चाक का प्रयोग हम ड्राफ्टिंग में निशान लगाने के लिए या कपड़े की जब सिलाई करते हैं तो उस पर निशान लगाने के लिए टेलर चाक का प्रयोग करते हैं। ये बहुत इजी मेथड से यूज होता है, इसको हम आसानी से मिटा सकते हैं। पेन से अगर निशान लगाएंगे तो वो निशान जा नहीं सकते, लेकिन अगर टेलर चाक का हम उपयोग करते हैं तो वो निशान आसानी से हटा जाए जा सकते हैं। इसलिए हम अपनी ड्राफ्टिंग में, सिलाई में या फिर कपड़ों में जब स्टिचिंग करते हैं तो उस पर टेलर चाक का प्रयोग करते हैं। मेजरिंग टेप, सबसे इंपॉर्टेंट टूल है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप का प्रयोग नापने के रूप में किया जाता है, अर्थात हम जब भी नाप लेते हैं तो वो मेजरिंग टेप की सहायता से लेते हैं। यह एक समान मापने वाला उपकरण है जिसमें कपड़े को, यह धातु की पट्टी, प्लास्टिक या फाइबर का बना होता है। इसमें रेखिक माप चिन्ह होते हैं। इंच टेप साफ 60 इंच या 1 मीटर 52 सेंटीमीटर का होता है। जो हमारा मेजरिंग टेप होता है वो 60 इंच या 1 मीटर 52 सेंटीमीटर या 152 सेंटीमीटर का होता है। इसका एक सिरा 3 इंच लंबा पीतल का और दूसरा सिरा जो होता है वो आधा इंच पीतल से बना होता है। इसमें इंच और सेंटीमीटर दोनों के निशान होते हैं। इसी में हमारा अगला पॉइंट मेजरिंग टूल्स में ही है, सीपीजी मेजरिंग टेप। सीपीजी मेजरिंग टेप का प्रयोग कोट के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से हम एक बार में 3 माप लेते हैं, जैसे छाती का नाप, तीरे का नाप और डेप्थ ऑफ साइज। सीपीजी मेजरिंग टेप से हम कोट का नाप लेते हैं जो हमको 3 माप देता है, एक छाती का नाप, दूसरा तीरे का नाप और चौथा डेप्थ ऑफ साइज। गिदरी मापक यंत्र, गिदरी मापक यंत्र को हम लेग मेजरिंग टूल भी कहते हैं। इसकी सहायता से हम टांग के अंदरूनी भाग की माप लेते हैं। जब हम पैंट बनाते हैं तो हमें गिदरी मापक की आवश्यकता होती है, उसी की सहायता से टांगों के अंदरूनी भाग की माप ली जाती है। उसमें अगला है नाप का स्टैंड। व्यक्ति के लंबे कोट, लंबे वस्त्र जैसे ओवरकोट, लेडीज नाइटी, गाउन आदि का नाप बनाने के लिए हम नाप का स्टैंड का प्रयोग करते हैं। नाप का स्टैंड एक लंबी सी स्टिक होती है जिसमें हम ओवरकोट, क्योंकि ये लंबा हमारा वस्त्र होता है जिसमें हम उसकी लेंथ लंबाई नापनी होती है, इसलिए हम लंबे वस्त्र को बनाने में ओवरकोट, लेडीज नाइटी, गाउन आदि को बनाने के लिए नाप के स्टैंड का प्रयोग करते हैं। अब है हमारा अगला ड्राफ्टिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट, एल स्केल। एल स्केल जो होता है ये हमें ड्राफ्टिंग को बनाने में सहायता प्रदान करता है। यह लकड़ी व प्लास्टिक का बना होता है, इसको हम गुनिया भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और पूछा भी जाता है कि गुनिया किसे कहते हैं। एल स्केल को गुनिया कहते हैं क्योंकि इसका प्रयोग लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री तीनों करते हैं और इसको गुनिया कहते हैं। यह लकड़ी व प्लास्टिक का बना होता है। इसमें इंच, इसके जो प्रत्येक इंच होते हैं उसमें 8 पॉइंट के निशान लगे होते हैं। लोहे की गुनिया का प्रयोग लोहार करता है, बढ़ई और राजमिस्त्री भी करते हैं, लेकिन टेलरिंग में लोहे की गुनिया का प्रयोग नहीं करते, लकड़ी के एल स्केल का या प्लास्टिक के एल स्केल का प्रयोग करते हैं जिसको गुनिया भी कहते हैं। इससे ब्राउन पेपर पर या ब्लैक बोर्ड पर हम ड्राफ्टिंग जब बताते हैं या अभ्यास करते हैं तो हमको सहायता मिलती है। लेग सेपर पैंटों में टांग के अंदर या गिदरी को सेप देने में सहायता देता है। लेग सेपर जो होता है जब हम पैंट की ड्राफ्टिंग करते हैं तो जो हमारा अंदर टांग के अंदरूनी भाग की सेप देना होता है तो हम उसके लेफ्ट लेफ्ट
लेग्स सेपर की सहायता से देते हैं। टेलर आर्ट कर्व, इसको हम हिंदी में दर्जी कला कर्व भी कहते हैं। यह लकड़ी और प्लास्टिक का बना होता है। इसकी सहायता से हम ड्राफ्टिंग की गोलाइयाँ निकालते हैं। जब भी ड्राफ्टिंग में हमें गोलाई देनी होती है तो हम टेलर आर्ट कर्व की सहायता से देते हैं, क्योंकि इससे जो गोलाइयाँ होती हैं वो हमारी एकदम परफेक्ट आती हैं। पर्ल हेड पिन, कठिन सिलाई के लिए एकदम सही है। संभालना, चुनना, छड़ी करना आसान है। इन पिनों को प्रबंधन को आसान बनाने के लिए चुंबकीय पिन धारक का प्रयोग किया जाता है। इस पिन की सहायता से जो हमारे ड्राफ्टिंग होते हैं या फिर सिलाई के जो वो अस्तर होते हैं उनको एक साथ जोड़े रखता है। तो हम पिन की सहायता से हमारे जो कपड़े होते हैं वो इधर उधर नहीं जाते हैं। ड्रेस मेकर डमी, डमी जो होती है जो हम अभी ड्रेस बनाते हैं, अपनी डिजाइनिंग बनाते हैं, वो अच्छा है या नहीं है, या फिर हम जिस व्यक्ति के लिए वो डिजाइनिंग कर रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है, उसको देखने के लिए हम उसको डमी के ऊपर ट्राई करते हैं कि जो हमारा डिजाइनिंग बना है वो सही है कि नहीं। या एक तीन आयामी मॉडल है जो कपड़े के रूप में कपड़े को फिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि जब यह शरीर पर दिखाई देगा तो परिधान कैसा होगा। मतलब ये हुआ कि हम ये थ्री डायमेंशनल एक मॉडल है जिसपे हम अपने कपड़े को फिट करते हैं, अपने डिजाइनिंग को सेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि यह बनने के बाद कैसा दिखेगा। ब्लॉक पैटर्न, पैटर्न डिजाइनिंग का एक रूप है जो औद्योगिक उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक कस्टम फिट बुनियादी पैटर्न है जिससे कई अलग अलग शैलियों के पैटर्न विकसित किया जाता है। ब्लॉक पैटर्न एक डिजाइनिंग होती है जो हम अपने कपड़े पे उसी के रूप में उसको उतारते हैं, औद्योगिक उत्पादन करते हैं जब, तो हम ब्लॉक पैटर्न को डिजाइनिंग करने में, प्रिंट करने में कपड़ों पे यूज करते हैं। पेंसिल, पेंसिल का फैशन डिजाइनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विभिन्न प्रकार की पेंसिल जैसे 2H, 3H, 4H या आकार में 0.5 mm या 0.3 mm का प्रयोग प्रारूपण पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। 0.3 mm लीड पेंसिल का प्रयोग सटीकता के लिए किया जाता है, जबकि 0.5 mm रंगीन लीड पेंसिल का प्रयोग स्क्रीन पर दृश्यता बनाने के लिए किया जाता है। मतलब ये हुआ कि हम अपनी डिजाइनिंग को ड्रा करने के लिए विभिन्न प्रकार की पेंसिल का उपयोग करते हैं, जैसे 2H, 3H, 4H, जिस तरह की हमें रिक्वायर होती है पेंसिल उसी तरह की पेंसिल का उपयोग करते हैं। लीड पेंसिल का उपयोग हम ड्रा करने के लिए, शेडिंग करने के लिए, डार्क कलर की पेंसिल का उपयोग शेडिंग करने के लिए, लाइट कलर की पेंसिल का उपयोग डिजाइनिंग को ड्रा करने के लिए ताकि उससे मिटाया जा सकते हैं। तो हमें अपनी डिजाइनिंग में भिन्न भिन्न प्रकार की पेंसिल का प्रयोग उसकी आवश्यकता के अनुसार करते हैं। पैटर्न मेकर, पैटर्न निर्माता एक ऐसा व्यक्ति है जो पैटर्न बनाता है। सिलाई बुनाई और वस्त्र निर्माण में एक गाइड के रूप में उपयोग की जाने वाली योजना या आरेख को बनाता है। जो फैशन डिजाइनिंग का फील्ड है ये बहुत ही बड़ा है। इसमें डिजाइनर होते हैं, पैटर्न मेकर होते हैं, स्टिच करने वाले होते हैं, टेलर होते हैं। एक टीम वर्क है, इसमें सबका अलग अलग कार्य होता है। डिजाइनर अपनी डिजाइनिंग बताता है, डिजाइनिंग बनाता है, पैटर्न मेकर पैटर्न को बनाता है। जिसके लिए हम अपने ड्रेस को बनाना है उसके लिए पैटर्न मेकर जो होता है वो क्या करता है, उसी के नाप के अनुसार उस ड्रेस को बनाता है, उसका पैटर्न बनाता है। उसके बाद डिजाइनर उस पैटर्न मेकर को लेकर टेलर से अपनी डिजाइनिंग और उसकी फिटिंग को बताता है, जिसके द्वारा टेलर जो होता है वो हमें ड्रेस को स्टिच करके फाइनल रूप में डिजाइन के साथ देता है। तो पैटर्न मेकर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पैटर्न को बनाता है, उस व्यक्ति विशेष का पैटर्न को जो हम यूज, जिसके लिए हम फैशन ड्रेस बना रहे हैं, जिसके लिए हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, उसके लिए पैटर्न मेकर उसकी नाप का
पैटर्न बना देता है, जिससे टेलर उसी पैटर्न के अनुसार कटिंग कर देता है, जिससे उसको प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे यहाँ देखिए, स्लीव्स की कटिंग है, पफ की कटिंग है, फ्रंट की कटिंग है, बैक की कटिंग है, कॉलर की कटिंग है। तो ये इससे क्या होती है, पैटर्न बनाने से आसानी हो जाती है डिजाइनिंग में भी और स्टिचिंग में भी। फैशन कर्व बहुत ही इम्पोर्टेंट है फैशन फ्रेज में, फैशन की इंट्रोडक्शन में। फैशन समय, स्थान और पहनने के संदर्भ में बदलता रहता है। अध्ययन के अनुसार फैशन में परिवर्तन घंटी के आकार के वक्र के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसे किसी भी प्रकार के फैशन की शुरुआत से अंत तक फैशन वक्र कहा जाता है। अब इसको हम जो हमारे ये फैशन सर्किल का जो ग्राफ है उससे समझते हैं। पहला हमारा क्या होता है, स्टाइल। ए स्टाइल इज इंट्रोडक्शन। पहले जो भी स्टार्ट होती है डिजाइनिंग, उसका पहला क्या होता है, इंट्रोडक्शन फ्रेज होता है। इंट्रोडक्शन फ्रेज वो होता है जिसके द्वारा हम उसको डिजाइनिंग को जानते हैं, समझते हैं। ये जो हमारे होते हैं मॉडल होते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं, फिल्म होती है, मूवी होती है, उसमें जो हीरोइन होती हैं या हीरो होते हैं, वो उस डिजाइनिंग को, उस फैशन को लेकर आते हैं उस डिजाइनर द्वारा, और उसके बाद टीवी पे, विज्ञापन पे हम लोग देखते हैं, उसको जानते हैं, उसको समझते हैं। तो जो भी डिजाइनर होता है वो अपने डिजाइन को डिजाइन करके मॉडलों, हीरो हीरोइन के द्वारा, विज्ञापन के द्वारा हमको परिचित करवाता है। तो वो हमारा होता है इंट्रोडक्शन फेज, इसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन फेज। जब हम उस चीज से परिचित होते हैं उसमें हमारा इंट्रोडक्शन फेज होता है। उसके बाद हमारा देखिए यहाँ लिखा है डिमांड इनक्रीज सेल्स इंक्रीज। अब इस पे हमारा इंट्रोडक्शन होता है, हम उसको देखते हैं, हमें पसंद आता है, लोग उसको अपनाने लगते हैं, धीरे धीरे अपनाने लगते हैं, बड़े शहर में, छोटे शहर में, गांव में, धीरे धीरे उसका प्रचलन बढ़ता रहता है। तो क्या होती है, हमारी सेल्स इंक्रीज होती है। और ये सेल्स इंक्रीज होते 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 देखिए यहाँ पे पीक ऑफ पॉपुलरिटी, मतलब पीक पे होती है अपनी, उसकी चरम, मतलब जहां भी आप देखो वही फैशन चलेगा। जैसे प्लाजो सूट हुआ, अगर किसी फिल्म में, मूवी में या फिर डिजाइनर ने इसको परिचय करा दिया, उसके बाद उसके सेल्स में इंक्रीज होती है। उसके बाद आप देखते हैं कि सब पीक पे होता है, सबके पास वो प्लाजो पैंट होते हैं, प्लाजो सूट होती है, क्योंकि वो क्या होती है, अपने पीक ऑफ पॉपुलैरिटी पे होती है, वो इसमें सबसे ज्यादा फेमस होती है। उसके बाद हमारा ये हमारा जो पीक ऑफ पॉपुलैरिटी है, ये एक्सेप्टेंस फ्रेज होता है, मतलब सबके द्वारा ये फ्रेज स्वीकार कर लिया गया है, इस फैशन को सब कोई अपना चुके हैं। उसके बाद आता है डिसलाइन इन डिमांड, मतलब रिजेक्शन फील्ड स्टार्ट होता है। हम इस डिमांड को पॉपुलर कर दिया, उसके बाद लोगों का इससे मन भरता है और धीरे 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 इसकी डिमांड में कमी होने लगती है, तो वो डिसलाइन होता जाता है। और एक समय आता है जो इसको कोई पसंद नहीं करता है, वो हमारा क्या होता है, रिजेक्शन फ्रेज होता है। मतलब किसी के वार्डरोब में प्लाजो सूट या प्लाजो पैंट नहीं होते हैं, क्योंकि वो अब चलन से बाहर हो चुका है, लोगों का अब मन उससे नहीं है, भर गया है, अब उसको नए डिजाइनिंग में, नए रूप में प्रदर्शित करना होगा डिजाइनर को। तो वो हमारा हो गया रिजेक्शन फील्ड, क्योंकि अब इसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ना उसकी डिमांड में बढ़ी है, ना मांग बढ़ रही है, ना बिक्री हो रही है, ना सेल्स इंक्रीज हो रही है, मतलब वो उसका रिजेक्शन फील्ड है, क्योंकि अब उसको कोई पसंद नहीं कर रहा है। तो ये हमारा एक फैशन चक्र है, कर्व है इसको बोलते हैं, जिसके द्वारा हम ये समझते हैं कि एक स्टाइल कैसे मार्केट में आती है, डिमांड में आती है, पॉपुलर होती है, उसके बाद डिसलाइन होती है, उसके बाद क्या होती है, रिजेक्शन हो जाती है। तो ये फैशन चक्र एक फैशन की डिजाइनिंग की सीमा को बताता है। अगला है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर का प्रयोग हम पैटर्न बनाने के लिए करते हैं। पैटर्न बनाने के लिए उपयोग किया जाता है सीधी रेखा खींचना, लंबवत रेखा खींचना, रेखाओं में निशान लगाना, सीम भत्ते जोड़ना, 45 अंश और 90 अंश की डिग्री कोण बनाना, आकृति, आर्म होल, नेक लाइन, कर्व्स स्थापित करना, चारों ओर माप लेना, कंपास और गाइडेड पैटर्न के रूप में प्रयोग करना।
सेट स्क्वायर का प्रयोग भी हम अपने ड्राफ्टिंग को बनाने में करते हैं। ड्राफ्टिंग को बनाने में जो हमें लाइन चाहिए, जो हमें से कर्व चाहिए, जो हमें निशान लगाने, जैसे कोड बनाने हैं 90 अंश या 45 अंश को, तो इसके प्रयोग किसके हम सेट स्क्वायर के प्रयोग से अपनी ड्राफ्टिंग को करते हैं, जिससे परफेक्ट बनता है। हाथ से करने में लाइनें सीधे तिरछी आड़ी हो सकती हैं, जिससे देखने में वो अच्छा या सुंदर नहीं लगेगा, पर जो हमारी टूल्स इसीलिए हम उपयोग करते हैं कि वो देखने किसी भी चीज़ की प्रेजेंटेशन अच्छी और सुंदर होनी चाहिए, तभी वो कस्टमर को अच्छी लगेगी। अगर हम अपनी ड्राफ्टिंग गलत बनाएंगे बिना सेट स्क्वायर या एल स्केल या फिर जो भी ड्राफ्टिंग के टूल्स हैं उनके उपयोग किए बिना बनाएंगे, तो हमारा जो ड्राफ्टिंग के प्रेजेंटेशन होगा वो अच्छा नहीं होगा, और जब अच्छा नहीं होगा तो वो हमारे कस्टमर उससे खुश नहीं होंगे। इसलिए हम अपने डिजाइनिंग ड्राफ्टिंग को करने के लिए हमेशा ड्राफ्टिंग टूल्स का ही प्रयोग करना चाहिए। और इससे एक ये भी फायदा है कि ये जो हमारी जो ड्राफ्टिंग है वो कम समय में और आसानी से हो जाएगी, जिससे हमारे टाइम की बचत होगी। अब ये प्रोफेशनल ड्रेस स्टैंड का उपयोग फैशन डिजाइन इंडस्ट्री में किया जाता है, जो बड़े बड़े डिजाइनर प्रयोग करते हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार के ड्रेस ब्रश फॉर्म, महिला ड्रेस फॉर्म, पुरुषों के कपड़े के प्रदर्शन रूप में हम प्रयोग करते हैं। प्रोफेशनल ड्रेस स्टैंड का प्रयोग हम जब हम वस्त्र किसी का निर्माण, कपड़े का निर्माण या डिजाइनिंग का निर्माण हम प्रोफेशनल रूप से करते हैं, हाई लेवल पे करते हैं, तो वहाँ हम प्रोफेशनल ड्रेस स्टैंड का प्रयोग करते हैं। हाफ स्केल ड्रेस स्टैंड या पोशाक का हाफ, जैसे लिखा हाफ स्केल ड्रेस स्टैंड, जो प्रोफेशनल ड्रेस स्टैंड था वो फुल था, हाफ स्केल ड्रेस स्टैंड है वो आधी है। इस पे हम आधे छोटे स्तर के कपड़े का निर्माण करते हैं, जैसे देखिए फिगर में दिखाया है, जैसे ये हाफ स्टैंड है, पोशाक का एक छोटा रूप है जहां आधे आकार का होता है। छोटे स्तर पे काम करने के लिए कम समय में कम सामग्री, जैसे छोटा है तो इसमें सामग्री भी कम रहेगी, अगर हमने डिजाइनिंग को देखना है तो कम सामग्री के साथ कपड़ों को बनाने में से अनुमति मिलती है। पूर्ण आकार के परिधान को बनाने से पहले डिजाइन परिधान डिजाइन का उपयोग करने के लिए इसका उपयोग करता है, मतलब फुल ड्रेस को बनाने से पहले जो हमारा डिजाइनर होता है वो हाफ स्केल ड्रेस स्टैंड पर अपने डिजाइनिंग को देख लेता है कि कैसा बनाया। एडहेसिव स्टाइलिंग टेप, ये एक साइनिंगदार स्टाइलिंग टेप है। जैसे हम अपने डिजाइनिंग को पहले हम अपने पेपर पर ड्रॉ करते हैं तो उसको सजाने के लिए और डेकोरेट करने के लिए इस टेप का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है, एक सामग्री एक चिपकने वाली फिल्म का एक संयोजक है, इसका प्रयोग वस्तुओं को बांधने जोड़ने के लिए किया जाता है। ये त्वचा के अनुकूल डबल साइडेड टेप स्ट्रिप आसानी से कपड़ों या त्वचा पे कहीं पे भी रखा जा सकता है, ताकि आपके आउटफिट को जगह मिल जाए और कहीं अवशेष न रह जाए। इसका प्रयोग हम कहीं भी किसी चीज को चिपकाने के लिए प्रयोग करते हैं, और देखने में ये थोड़ी डिजाइनदार स्टाइलिंग होती है, जिससे क्या होता है सुंदर लगता है। स्विंग पिन का प्रयोग हम अपने कपड़े की को इधर उधर खिसकने से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे नाम लिखा स्विंग पिन, अगर हमें स्टिच करना है दो कपड़ों को एक साथ, तो अगर हम पिन से उसको अटैच कर देंगे एक दूसरे के साथ, तो वो जो एक दूसरे कपड़ा होगा वो खिसकेगा नहीं, और हमारी जो स्टिचिंग होगी वो एक बराबर और एक सही होगी, जिससे जो स्टिचिंग होगी वो सही लगेगी, खराब नहीं होगी। तो स्विंग पिन का प्रयोग हम अपने कपड़े को या फिर ड्राफ्टिंग को, मान लीजिए अपनी डिजाइन को भी अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको पिन की सहायता से ऐड कर देंगे, तो एक पेपर से, ट्रेसर पेपर से हम दूसरे पेपर पे ट्रेस कर सकते हैं, डिजाइनिंग भी ट्रेस कर सकते हैं, सिलाई भी कर सकते हैं, स्विंग पिन से कुछ भी कर सकते हैं। बस इसका मतलब यही होगा कि जो जहां है वो फिक्स रहेगा, वो इधर उधर नहीं होगा। पैटर्न नोचर एक सामान्य उपकरण है जिसका प्रयोग पैटर्न बनाने के लिए, सिलाई करने के लिए करते हैं। जहां एक पैटर्न बनाया जाता है, नोचेज का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य पैटर्न के टुकड़े को संरेखित करना है। निशान अधिक उपयोग करने योग्य होते हैं, क्योंकि वे पैटर्न क्षेत्र के अंदर
कपड़ों को चिन्हित करने की अनुमति देता है, अर्थात पैटर्न नोचर जो होता है, जैसे दिया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका जो हम इससे अगर हम अपने निशान लगाते हैं तो ऐसे निशान बनाते हैं। जैसे हमें ड्राफ्टिंग में डार्ट ऐड करना है या फिर सिलाई को मोड़ना है फिर कहीं है, तो न्यूटन पैटर्न नोचर जो होता है उसकी सहायता से हम उसमें ऐसे निशान लगाते हैं जिसमें लिखा है इसका प्रयोग पैटर्न बनाने के लिए और सिलाई करने के लिए। जो हमारे ये टूल्स होते हैं वो हमको सिलाई करने में भी पैटर्न बनाने में भी दोनों में हेल्प करते हैं, क्योंकि हमको डिजाइनिंग के बाद सबसे पहले पेपर पैटर्न बनाना पड़ता है, उसके जिस व्यक्ति के लिए हम डिजाइनिंग कर रहे हैं उसके अनुसार हमको उसका पैटर्न बनाना पड़ता है, उसके बाद हमको उसको स्टिच करना पड़ता है। तो जो हमारा पैटर्न नोचर होता है वो हमको निशान लगाने में सहायता करता है। ब्राउन पेपर, अभी तक हमने सुना पैटर्न बनाना, पर पैटर्न जिस पे हम बनाते हैं वो पेपर कौन सा होता है, वो ब्राउन पेपर होता है। पैटर्न जिस पे हम ड्रॉ करते हैं उसको ब्राउन पेपर पे ड्रॉ करते हैं, सभी जिस पे हम पैटर्न नहीं बनाते हैं पैटर्न को हम ब्राउन पेपर पे ड्रॉ करते हैं। लिखा कई औद्योगिक व वाणिज्य अनुपयोगों के लिए उपयोग किया जाता है, सामान सामग्री को पैकिंग के लिए, पैकेजिंग के संचालन में उपयोग किया जाता है, अलग अलग वस्तुओं को लपेटना बंडल सुनिभरता है। इसके अलावा क्राफ्ट पैटर्न का उपयोग उत्पादकों की परतों के बीच लोड बाइंडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्राउन पेपर का बहुत उपयोग है, अलग अलग औद्योगिक और वाणिज्य के अनुसार अपना अपना उपयोग होता है, पर हम अपनी डिजाइनिंग में, स्टिचिंग में, फैशन डिजाइनिंग में या ड्रेस मेकिंग में ब्राउन पेपर का उपयोग अपनी ड्राफ्टिंग को बनाने के लिए करते हैं। जो भी हमें पहला बेसिक चीज ड्रा करते हैं कंपनियों में, तो स्टील या पतली लोहे की पतली टिन पे बनाया जाता है, क्योंकि वो बहुत व्यापक रूप में बहुत मात्रा में डिजाइन वस्त्र बनाए जाते हैं। पर अगर हम व्यक्तिगत पैटर्न बना रहे हैं या फिर हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक चीज, तो वो हम ब्राउन पेपर पे ही बनाते हैं, तो ब्राउन पेपर पे हम अपने पैटर्न को बनाते हैं। अब जो हमारा सबसे लास्ट में है स्विंग मशीन। स्विंग मशीन अपने नाम से ही परिचित अपना परिचय दे रही है, स्विंग मतलब सिलना, मशीन मतलब जो मशीन सिले। तो फैशन डिजाइनिंग या ड्रेस मेकिंग या को टेलरिंग या फिर कटिंग कोई भी काम लास्ट में आता है किसी स्विंग मशीन। अगर हमारे पास स्विंग मशीन ना हो तो वो सभी काम व्यर्थ हो जाते हैं। तो एक फैशन डिजाइनर सिलाई मशीन के बिना पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि यह महत्वपूर्ण फैशन डिजाइनिंग उपकरण है जिसका प्रयोग प्रसंस्करण कार्य के लिए किया जाता है। आमतौर पर फैशन डिजाइनर औद्योगिक सिलाई मशीन का प्रयोग करते हैं, औद्योगिक सिलाई मशीन, घरेलू सिलाई मशीन, मतलब ये हुआ कि अगर हम बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं तो उसके लिए हैवी और बड़ी मशीनें होती हैं, और जब हम घर पे उत्पादन मतलब अपने लिए स्टिच करते हैं या फिर किसी व्यक्ति पर्सन के लिए बनाते हैं तो स्विंग मशीन छोटी होती है और घरेलू होती है। स्विंग मशीन अलग अलग नामों से कई प्रकार की कई तरह की आती है, स्टिच मशीन अलग होती हैं, बटन होल मशीन होती हैं, इंटरलॉक मशीन होती हैं, मशीन के बहुत सारे टाइप होते हैं। तो मशीन जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक डिजाइनर के लिए भी, एक ड्रेस मेकर के लिए भी, क्योंकि डिजाइनर का फाइनल रूप ही एक मशीन के द्वारा ही मिल सकता है। अब ये हमें अपने आवश्यकता के अनुसार, अब हमें ये मशीन अपनी आवश्यकता के अनुसार कि हमें इसका उपयोग कहाँ करना है, पर्सनल के लिए उपयोग करना है तो घरेलू सिलाई मशीन होती है, बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है तो उसके लिए क्या होती है, औद्योगिक सिलाई मशीन होती है। तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी मशीन का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद। आज मैंने आपको फैशन डिजाइनिंग के टूल्स एवं उपकरण एवं सहायक सामान पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा करती हूँ कि यह भविष्य में आपके लिए मददगार होगी। धन्यवाद।